एक बार किसी ने एक लड़के को ऑफर दिया कि अगर मैं तुम्हें $1 million यानी कि 7 करोड़ रुपए दूं तो क्या तुम हवाई जहाज से बिना पैराशूट के कूद जाओगे? तो उस लड़के ने बिना सोचे समझे कहा, क्यों, मरना है क्या? अगर मेरी जान ही नहीं रहेगी तो मैं पैसों का क्या करूंगा? फिर उसी बंदे ने दूसरे लड़के से पूछा कि अगर मैं तुम्हें $1 million यानी कि 7 करोड़ रुपए दूं तो क्या तुम पैराशूट के बिना हवाई जहाज से कूद जाओगे? तो उस लड़के ने कुछ सोचा और फिर हां कह दिया। गेस व्हाट, वो कूदा भी, उसकी जान बच भी गई और उसे 7 करोड़ रुपए मिल भी गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हवाई जहाज जमीन पर ही था और उसे जमीन पर खड़े हवाई जहाज से ही बिना पैराशूट के कूदना था। गाइस, बहुत से लोग बिना सोचे समझे लाइफ में डिसीजन लेते हैं और अपने हाथ से बड़े मौके को गवा देते हैं, लेकिन समझदार लोग हर एक चीज में मौका ढूंढते हैं और उसे अपने हाथ से जाने नहीं देते। गाइस, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग कई लड़कों में बहुत ही गंदी आदत होती है, उनको टॉयलेट को यूज करने के एटिकेट्स तक नहीं होते हैं। जब भी वो टॉयलेट करेंगे वो उसे शॉवर की तरह इधर उधर बिखेर देते हैं, जिससे बहुत सा टॉयलेट साइड में या नीचे गिर जाता है। बात दिखने में छोटी सी लगती है, लेकिन क्या आपने कभी उस सफाई कर्मी के बारे में सोचा है जो आके इसे साफ करेगा? उससे भी तो बुरा लग सकता है, वो भी तो एक इंसान होता है। क्या जाएगा आपका जब आप एक ही जगह पर पॉइंट करके टॉयलेट कर लेंगे तो? लेकिन नहीं, हमें तो गंदी आदत पड़ी है। लेकिन इस गंदी आदत का सॉल्यूशन निकाला है एम्स्टरडेम के एक एयरपोर्ट पर, जहां पर मेंस लू के अंदर मेंस यूरिनल के बीचों बीच एक नकली मक्खी चिपका दी है। अगर कोई भी वहां सूसू करने आएगा तो वो उस मक्खी को पॉइंट करते हुए टॉयलेट करेगा, जिससे टॉयलेट बाहर नहीं गिरेगा और सफाई कर्मचारी को प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइस, आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।